नमस्कार मित्रों, फ्रांस के यूरोप मामले और विदेश मंत्री श्री लद्रियां, मीडिया के मित्रों, मैंने अभी अभी फ्रांस के विदेश मंत्री लद्रियां के साथ बहुत ही उपयोगी लंबे समय से भारत के फ्रांस के साथ हमारे संबंधों उनके बृहद अनुभव का भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक संबंध, राजनीतिक एकरूपता, समन्वय और आपसी विश्वास पर आधारित है। मंत्री लद्रियां का ये दौरा इस वर्ष भारत और फ्रांस के बीच सघन उच्च स्तरीय आदान प्रदान का परिचायक है। वास्तव में पिछले 6 माह में उनके साथ मेरी ये दूसरी बैठक है और ये दर्शाता है कि हमारे बीच संबंध कितने गहरे हैं। मैंने उन्हें और फ्रांस को पहले विश्व युद्ध के युद्ध विराम के यादगार समारोह में और पेरिस शांति के बीच में पिछले माह किए गए शानदार आयोजन के लिए भी बधाई दी है। आपको पता है कि माननीय उपराष्ट्रपति जी ने इन उत्सवों में भाग लिया था और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान उत्तरी फ्रांस के विला गुइला में भारतीय युद्ध स्मारक का अनावरण भी किया था। मित्रों, आज हमने भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। हिंद महासागर क्षेत्र में संयुक्त रणनीतिक दृष्टि सहयोग में आ रही कार्यवाही को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे न केवल भारत और फ्रांस अपितु इस क्षेत्र के सभी अन्य देश और हितवाही लाभान्वित होंगे। मित्रों, भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग बहुत ऐतिहासिक और व्यापक है। इससे संस्थागत आदान प्रदान, संयुक्त उत्पादन यानी को प्रोडक्शन, संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी जॉइंट एक्सरसाइजेज और प्रशिक्षण ट्रेनिंग शामिल है। जैसा कि आपको विदित है कि हमारी रक्षा मंत्री ने अक्टूबर में फ्रांस की यात्रा की थी, जो बहुत ही उपयोगी रही। अब दोनों पक्ष इन गहन संपर्कों और विशेषकर परिचालनात्मक और सर्विस स्तर पर इसे और अधिक गहरा और विशाल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच चर्चा में हमने आतंकवाद के विरुद्ध लगातार लड़ते रहने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया है। इस क्षेत्र में हमारे बीच सहयोग अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे कि FATF इस पर भी है। दोनों पक्ष यानी भारत और फ्रांस जैतापुर परमाणु विद्युत परियोजना को जल्दी से जल्दी शुरू करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि NPCIL और EDF के बीच 2018 में हुए इंडस्ट्रियल वे फॉरवर्ड अग्रीमेंट के अनुसरण में दोनों पक्षों ने बहुत प्रगति की है। हमने आज स्टेटस ऑफ प्रोग्रेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वे फॉरवर्ड अग्रीमेंट को भी अपनाया है। अंतरिक्ष में सहयोग की ज्वाइंट विजन भी हमारे बीच अंतरिक्ष सहयोग की आधारशिला है। हमारे दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां इस दिशा में बहुत कर्मठता से काम कर रही हैं। हाल ही में भारत के सबसे ज्यादा वजनदार सैटेलाइट GSAT-11 को छोड़ा जाना अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारी साझेदारी का एक अनोखा उदाहरण है। इस अवसर पर मैं फ्रांस की सरकार और एरियन स्पेस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक छोड़े जाने में इसरो को प्रदान की गई हर संभव सहायता के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ।